नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में धोखादायक इमारतों को मनपा की तरफ से दिए गए स्ट्रक्चर ऑडिट के नोटिस व इमारतों के बिजली पानी कट करने के चलते इन इमारतों में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। यह भी देखने को मिल रहा है कि मनपा की तरफ से इमारतों का बिजली पानी काटा गया है ताकि इसमें रहने वाले लोग इमारतों को छोड़ दें, पर इन इमारतों में रहने वाले लोगों को और कोई विकल्प न होने के चलते बिना बिजली और बिना पानी के वहीं पर रहने के लिए वह लोग मजबूर हैं। वहीं इन धोखादायक इमारतों के विषय पर और लोगों के पुनर्वसन के लिए राज्य सरकार होने दो या मनपा प्रशासन, जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय ले। उल्लासनगर शहर के धोखादायक इमारतों का विषय लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 25 जून शुक्रवार के दिन एक विशाल मोर्चे का आयोजन किया गया है। वहीं भाजपा नेता व नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी की तरफ से धोखादायक इमारतों के बिजली पानी कट किए जाने पर क्या बताया जा रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, ये प्रशासन शासन मुगलाई राज चला रहा है। मुगलों ने भी इतने जुल्म नहीं किए होंगे जितने जुल्म ये लोग कर रहे हैं। अब आप एक तरफ से बिजली काट देते हो और उनको कहते हो कि आप इसकी स्ट्रक्चर ऑडिट कराओ। मानवता के आधार पर हमने पिछली महासभा में भी यह मांग की कि पहले अगर किसी को घर खाली करते हो या बिजली काटते हो या उसका पानी काटते हो तो उसको पर्यायी जगह दो रहने के लिए। महानगर पालिका और यह राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए है। जब लोगों का कल्याण नहीं होता है तो आपकी कैसी सरकार है? आप कैसे लोगों को रास्ते पर ला सकते हो पर्याय जगह न देते हुए, जबकि आप जानते हो कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति लोगों की बड़ी ख़राब है। आज 10-12 दिन से लाइट कटी हुई है, फिर भी उस कटी हुई लाइट में कटी हुई पानी में लोग वहीं पे रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल भव्य मोर्चा इनके विरोध में, ये मुगलाई सरकार शिवसेना की सरकार जो है, जो शासन में भी है, महाराष्ट्र राज्य में भी है, उल्लासनगर में भी है, उनको जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें मुख्य हमारी ये मांगे यह है कि लोगों की जितनी भी स्ट्रक्चरल ऑडिट है वह महानगर पालिका ने अपने खर्चे से करनी चाहिए। दूसरा, जो बिल्डिंग बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है, वह खाली करा देनी चाहिए और खाली कराने से पहले उन लोगों की पर्यायी रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। तीसरा मुद्दा, जिस तरह से सितंबर 2019 में देवेंद्र सरकार ने उल्लासनगर को, जो 2006 का कानून था, उसमें पुनर्निर्माण की हमको परमिशन दी एक जीआर निकालकर, और पहले कलेक्टर था रेगुलाइजेशन के लिए, उसकी अथॉरिटी हमारे इधर के कमिश्नर को दी। और तब देवेंद्र जी ने कहा था कि दो बातें आपको और मिलेगी, एक तो लोगों के पास मालकी नहीं है, जिनके पास टैक्स पावती होगी उसी फ्लैट धारकों, उन्हीं समूह को मालिक की दी जाएगी, उनका उन समझो मान लो 25 सदस्य हैं फ्लैट में तो एक आदमी को प्रमोटर करके उसके आधार पर प्लान पास होगा। उसके बाद सरकार बदल गई, हमको डीपी में ऐसी अपेक्षा थी कि उल्लासनगर छोटा होने की वजह से उसको विशेष दर्जा मिलेगा, लेकिन सामान डीपी दी गई, कोई भी हमें फ़ायदा नहीं मिला। हमने सरकार से रिक्वेस्ट की कि जो छोटी बिल्डिंग है, छोटे प्लाट है, उसका साइट मार्जिन 1.5 मीटर का होना चाहिए और रेडी रेकनार का जो रेट है वो 2006 का होना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख है कि इस जिले में जो पालक मंत्री हैं वही नगर विकास मंत्री है, वह चाहें तो दो लाइन का एक आदेश केवल 24 घंटे के भीतर लगा निकाल सकते हैं। यहाँ पर अभी 12 लोग मरे, यहाँ पर पालक मंत्री ने दौरा भी किया, उनको 5-5 लाख की घोषणा भी की, दुर्देव अभी तक किसी को 5-5 लाख नहीं मिला। लेकिन 5 लाख मिले न मिले वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि आप मरणों और उपरांत लोगों को 5-5 लाख देते हो, जीते जीते देते तो बहुत अच्छा होता। तो सरकार से हमारा मोर्चे के मार्फत यह स्पष्ट मांगे हैं कि हमें
ट्रांजिट कैंप के लिए आप सरकार अनुदान दे, रेडी रेकनार में हमारे रेट कम करें, साइड मार्जिन जो है वो 1.5 मीटर होनी चाहिए छोटे प्लांटों के लिए, और जो कन्विंस है, जो मालकी है, वह जो व्यक्ति उस बिल्डिंगों में पिछले 30 सालों से रहता है उसके टैक्स पावती के आधार पर होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात की बहुत ही संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा तय करती है उस पर बाकी सारे पक्ष आ जाते हैं। आज आप देखेंगे हमार को देखा देखी करते हुए TOK पार्टी ने एक बोर्ड लगा दिया कि हमने समूह बिठाया है, किसका एक समूह बिठाया है जो स्ट्रक्चरल ऑडिट सस्ते भाव में करके देगा। मुझे TOK पार्टी से पूछना है, आपने जितनी भी योजना इससे पहले शुरू की है, पोट भर जेवण घोट भर चहा, 10 रुपए में खाना बंद हो गया, आपने वाईफाई फ्री देने की योजना की थी बंद हो गई, आपने कैमरा पूरे शहर में गुनाहगारों के लिए आपके तरफ से लगाई जानी थी कैमराएं बंद हो गई, अभी आपने थोड़े दिन पहले कहा कि लोगों को दवाई मुफ्त मिली जाएगी, दवाई का दवा खाना बंद हो गया। हमारी स्वर्गीय भाभी ज्योति कालानी जी की एक इच्छा थी कि वह यहाँ पर एक वृद्धाश्रम बनाएगी, उसका विधिवत मुहूर्त किया गया, हम उसके प्रत्यक्षदर्शी थे, हम वहाँ गए थे, वह नहीं बना। तो ये जो पक्ष हैं केवल घोषणाएं करते हैं और लोगों की दिशा भूल करते हैं, वहीं साईं पक्ष क्या कर रहा है, वह अभी दिखावे की राजनीति कर रहा है। उसकी तो ऐसी पोजीशन है कि वह हमेशा साईं पक्ष का यह रहता है कि पैसे लगा के नगर सेवक का चुनकर आओ और पैसे लगाओ, केवल अपना खजाना भरने के लिए वह पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक सच्ची पार्टी है, राष्ट्र प्रेम करने वाली पार्टी है, और उन्होंने तय किया है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, दुर्देव है कि केवल 2 दिन का इन्होंने अधिवेशन रखा है, ये बड़ा अधिवेशन में इस 2 दिन में भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे देवेंद्र फडणवीस जी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं, रविंद्र चौहान जी से कहेंगे वो विधानसभा में उठाएंगे। यहाँ के जो ठाणा जिले के सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वहाँ पर ये आवाज उठाएंगे, और हमें विश्वास है कि लोगों के साथ खड़े रहने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारे अपने वासिंदों को न्याय दिलाकर रहेगी और सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी, हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल, जय भीम। भारतीय जनता पार्टी के साथ RPI भी हमारे साथ है, और RPI की ताकत और भारतीय जनता पार्टी की ताकत इन सारे जितने भी बाकी विपक्ष हैं उनके ऊपर भारी पड़ेगी। मंच ने भी आंदोलन किया था महानगर पालिका आयुक्त के बाहर, वो भी साथ में है क्या, आपकी बातचीत हुई क्या? देखिए, मैंने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा सेट कर दिया था महासभा के दिन, उसके बाद आनन फानन में सभी पार्टियों को लगा, इतने दिनों तक कोई नहीं बात कर रहा था, आज नहीं गिरी है बिल्डिंग, इसको गिरते हुए भी समय हुआ था, सारे लोग चुप थे। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही ये मुद्दा उठाया सबकी जो है चूल्हे हिल गई, और आनन फानन में सभी दिखावे में लग गए कि हम भी काम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।